नमस्कार प्रश्न काल को स्वागत करछु संतोष। दर्शक बंधु वर्तमान समय रे पूरा देशव्यापी गोटे चर्चा बेंगल जंग एथर किए फाइट कर गोटे पटे भारतीय जनता पार्टी आउ गोटे पटे टीएमसी रा ममता दीदी आरोप प्रत्यारोप चली तर्क वितर्क चली भितर नंदीग्राम को नहीं वर्तमान समय बड़ चर्चा जो शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता दीदी ये दुज भितर फाइट हे ममता दीदी नॉमिनेशन कर सारे वर्तमान समय आज जो सूचना जहाँ मिलूँ शुभेंदु अधिकारी दुई केन्द्रमंत्री को उपस्थित नॉमिनेशन भरी एवं आशा रखा जाऊँ भारतीय जनता पार्टी कौन सरकार कर तृतीय थर पर ममता दीदी भी एथर जिद्रे अटल से कौन जनसाधारण सहित मुझे एथर मुझ सरकार करी आलोचना को आगे बढ़ेगा बेंगल जंग संपर्क में वर्तमान समय चर्चा करवा आम सहित अतिथि अच्छा अतिथि परिचय करदा को चाहिए आम सहित विष्णु दास उपस्थित अच्छा बीजेपी नेता सहित सव्यसाची सरकार आम सहित रे फोन इन लाइफ आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सहित नरेश महांती आम सहित जोड़ी हे प्रथम सव्यसाची पाखक जावा सव्यसाची बाबू आम सहित जोड़ी सव्यजी क्या कहेंगे जे तीसरी बार सरकार में आने के लिए दीदी जोर शोर प्रचार कर रहे अभी क्या बताएंगे पॉलिटिकल इक्वेशन अभी क्या है वेस्ट बंगाल में? देखिए बंगाल में पॉलिटिकल इक्वेशन इस तरह अभी इस तरह ऐसा है कि एक तरफ बीजेपी है दूसरे तरफ टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस है और लेफ्ट अलायंस है। ये लेफ्ट अलायंस पहले से अभी इलेक्शन में बहुत मतलब के आगे आ गया। हाँ। तो पहले ऐसे होता था कि बीजेपी और तृणमूल के बीच जो पॉलिटिकल लड़ाई हाँ। ये संभावना थे। अभी लेफ्ट आने के बाद अभी लेफ्ट भी लड़ाई में आ गया। हाँ। नंबर टू है ममता बनर्जी का गवर्नमेंट हाँ। पांच साल में जो जो मतलब जो जो सब प्रोजेक्ट लिया है इस प्रोजेक्ट में खासतौर पे गांव जो है शहर जो है इसी में बहुत प्रभाव दिया। बीजेपी मतलब अक्टूबर 2020 के बाद धीरे धीरे इस राज्य में स्टेट के मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आगे आ रहा है। आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल में लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में हाँ। बीजेपी ने 18 सीट जीती थी। हाँ। तो नॉर्थ बंगाल का इक्वेशन अभी ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पे 18 जो एमपी इलेक्शन में जो सीट मिला था उसी के हिसाब से असेंबली में ऐसे सीट मिल जाएंगे। फिर भी ये नेक्स्ट दूसरी तरफ जो साउथ बंगाल है साउथ बंगाल में बीजेपी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी फाइट दे रहा है। अभी देखने का ये है कि ममता जी कैसे इसको संभाले। सबे जी ये बात है कि ममता जी पहले बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे दूसरी बार बोले कि पहली बार जो नहीं कर पाऊंगी जो नहीं करा हूं मैं अभी करूंगी तीसरी बार भी वही बात बोल रहे। क्या ये बात को जनसपक्ष कैसे लेगा कि वेस्ट बंगाल की जनता कैसे रिसीव करेंगे ये बात? देखिए ममता जी जो अभी स्लोगन है तृणमूल कांग्रेस का बांग्लार मे के ही चाय इसका मतलब है बंगला को जो मे मतलब जो लड़की उसे चुनेगा यह है तृणमूल का अभी जो स्लोगन। ममता जी का गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म किया है मतलब आप लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के बाद ऐसे बहुत सारे गांव है जहां पक्का सड़क बनी है ऐसे बहुत गांव है जहां पानी गया है फिर भी करप्शन की चार्ज भी आ रहा है ना। हाँ। इसी लेकर बीजेपी ने बोला है करप्शन हो रहा है करप्शन हो रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ इलाका में करप्शन की बात आ रहा है इसको कहते हैं कि इनकम्बेंसी फैक्टर्स। तो फाइट अभी जो हो रहा है ये बहुत जबरदस्त फाइट हो रहा है दोनों के अंदर और देखना है लेफ्ट कैसे ये फाइट में आगे जाए क्योंकि आप लोग जानते हैं 34 इयर्स यहाँ पे लेफ्ट रेजिम था उसके बाद ममता जी आए हैं ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आया है। सो अभी जो कहते हैं कि ट्रायंगल जो लड़ाई हो रहे हैं इसी में अब देखने का है इसको कितना सीट मिले। ठीक है
सबेज मैं आपके पास आऊंगा। वर्तमान समय आम जाम सहित बीजेपी नेता विष्णु दास जोड़ी विष्णु बाबू कथा आसुची जे वर्तमान समय शुभेंदु अधिकारी केते मात्रा रे भारी पड़े कहीं नंदीग्राम रु जो आंदोलन बाहर था जी जार मुख्य पुरोधा शुभेंदु अधिकारी थिले किंतु क्रेडिट से ममता बानर्जी नहीं थे वर्तमान नंदीग्राम रे जो बड़ फाइट होउची या भितर ओडिशा रु अनेक लोक अच्छा कौन आज भी समस्या अच्छी आज रास्ता समस्या गोटे बड़ समस्या भारतीय जनता पार्टी कौन से कार्यकर्ता को आज सरकारी योजना सहायता मिलूनी एक बास्तविक आपण मैंने कहते एक सत ना या भितर आउ किसी अच्छी ना ये प्रकृत बास्तवता कथा जे ममता दीदी जो एक छत्रवाद शासन कथ आप अभियोग कर सत विष्णु बाबू नहीं देखो मुझे कहूँ मुझे नंदीग्राम आज अच्छे नंदीग्राम पाख गोटे विधानसभा अच्छे जा रात अधिया रास्ता कम हो रास्ता कथ कहे किसी है ना राति अधरे बोधे नेशनल न्यूज रगार देखिए राति अधरे रास्ता कम हो नंदीग्राम जो गोटे प्रकरण चलला से विषय मैंने समस्ते देखी पार्थे तो अच्छा आसिक दीर्घ मस अच्छी जो नंदीग्राम या ममता बानर्जी को नंदीग्राम आंदोलन ही आंदोलन रे ममता बानर्जी पंजाब मान वेस्ट बेंगल रख्यमंत्री मुख्यमंत्री आई नंदीग्राम नॉमिनेशन गले से जो नाटक टी कले आपस्ते भल भाव जानते तेणु इटी गोटे के भारी पड़े जो कथा कहले रिजल्ट परिणाम टाक अपेक्षा करूँ मे दुई को मे दुई ही कह हलो हाँ विष्णु बाबू आप बीजेपी नेता है कथा कहते ना बेंगल जनसाधारण है कथा कहते ये कथा कह रे लोके कहे जनसपक्ष आपण सपक्ष नेता है कहते ना जनसाधारण कथा कहते ना 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 जनसाधारण तेणु आसतार गोटे निकटवर्ती अंचल बहुत लोग ओडिया बुझे माने इटी कार्यकर्ता इटी साधारण लोकर जो मानसिकता को आप बुझापी स्टडी करने न आसिले ग्राउंड जीरो रे आप जापर ना इटी लोक मान मन भितर कौ भाया गोटे पर जुआर आसा इटिके आसिले न आसिले आप अनुभव करें जो जोटा आप कहते हैं नंदीग्राम गड़ से नंदीग्राम रोक मान भर कौ भाया रिएक्शन अच्छी तोलाबाज ये शब्द आप साधारण लोक मुहरे काठमानी आम चाहिए ना तोलाबाजी को हटाना है मान ये जो प्रकार कथा ये साधारण लोक मुहरे मु बीजेपी नेता हिसाब से कहना निश्चित भाव में तो भारतीय जनता पार्टी गोटे नेता हिसाब से कहि निश्चित भाव में पर साधारण लोकर कथा बुझे चेस्ट करेंगे खुब शीघ्र आपको फिर भी नरेश महांती आम सहित कांग्रेस नेता जोड़ी नरेश बाबू वर्तमान समय टीएमसी सहित भारतीय जनता पार्टी या भितर बिग फाइट कांग्रेस स्थिति के कांग्रेस वर्तमान चेहरा क्या करती कांग्रेस वर्तमान समय कौ कौ सीट को फोकस अच्छी कांग्रेस वर्तमान निर्वाचन स्ट्राटेजी कौन आप जाना चाहिए देखो तो कांग्रेस जेहेतु गोटे जातीय दल से आम क्या फोकस करी क्या नेता बाचिक निर्वाचन लड़ाक बाहरू जितेबाड़ निर्वाचन फलाफल आसो से नेता निर्वाचन कराव से अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटर सभापति फाइनाल करेंगे से पूर्व आम तत्पर हमारे किसी आवश्यकता नहीं निर्वाचन को जो भाया ढंग से जमी प्रोसेस कांग्रेस पार्टी फेस करे से भाया प्रोसेस आम फेस करूँ निर्वाचन मैदान वेस्ट बेंगल अच्छा से कांग्रेस कथा कहना कहते केवल टीएमसी कथा भारतीय जनता पार्टी कथा को स्वीकार करेंगे कि नहीं ऑब्वियसली कांग्रेस कथा टीएमसी कथा कहे बिकज से टीएमसी जेहेतु दुई थर सरकार लोक टीएमसी कथा कहार किसी भूल ना किंतु जो कथा कहते भारतीय जनता पार्टी कथा कौन पर भारतीय जनता पार्टी को सेठी लोक मैंने भावुंत नेता मैंने जो हजार संख्यार डेरा पकईंट
मुँ भाभी पार नहीं जति जत देश में दुई दुई थर सरकार भारतीय जनता पार्टी कलापर विफल होश में लोकों पाखे सर्विस पहुँचापी लोकों पाखे पेट्रोलियम सामग्री डीजेल कथा कहतु गैस कथा कहतु जीएसटी कथा कहतु लोक बर्तमान रास्त चलला बेलू कथा होमें आज्ञा सबुति जीएसटी खाबार दौचु पेट्रोल आज्ञा 100 टाँह पर तेल रेट है डीजेल है से विफल सरकार जदि कह आम पुणी वेस्ट बेंगल आम सरकार आसला पर अमक कर देबू धमक कर देबू मुझे कहीं विश्वास करनी प्रथम कथा आज्ञा जो भी भारतीय जनता पार्टी सेटी कौन तर प्रोब्लेम ना कि जो भारतीय जनता पार्टी जो राज्य सरकार अच्छी केन्द्र में आज जो बदरती बढ़िया रेट बढ़ी सेठी कौन लोक मैंने आलोचना समालोचना करूना कि राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छी सेठी समालोचना करोचना करोटी चेंज करते किसी ना तेणु मो कह कथा जो दल जिते बड़े जो राज्य में जो केन्द्र में सरकार कै लोक सुविधा जदि न कर लोक साहयोग न कर इलेक्शन हार अन्य दल जितिबो सेतिपई भारतीय जनता पार्टी कौन से अधिकार नाई वेस्ट बेंगल ले तांकर जाहिर अध्यापति विस्तार करिबा तांकर कथा को लोकों पाखे पहुँच आम करू करूचु करी से कथार किसी मूल्यहीन कथा से जाची जो कथा आलोचना और टीवी मीडिया बहुत आज्ञा आपणकर संवादपत्र सरबराह संस्था भारतीय जनता पार्टी बर्तमान किणिकी से प्रचार प्रसार करुच्ची लोक मैनिपुलेसन करुच्ची पैसा दे कि गुंडा लगे कि गंडल करी तार फायदा नवा चेषा कर सब घटना कांग्रेस आज्ञा गोटे सामाजिक चिंताधार दल एवं कांग्रेस केत गंडगोल ना भोट आनी ना कि कर ठीक 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 नरेश बाबू आप फेर चाहिए विष्णु बाबू नरेश बाबू जो अभियोग आणुच्चे बर्तमान समय यही मुद्दा कौन नहीं कि बीजेपी रास्ता को ओई बीजेपी पाखे अगर किसी मुद्दा ना भ्रष्टाचार दुर्नीति विरोध में लड़ा कथा बीजेपी कौन कि कांग्रेस तो अनेक अभियोग लगे जे आपणकर किसी कहार अधिकार ना आपणकर किसी समालोचना करार अधिकार ना सामान्यतम जोाजोग त्रुटि घटी पुणि थर फेर वरिष्ठ सांबादिक सब्यसाची सरकार आम सहित जोड़ सबेजी मैं आपके पास आऊँगा अभी एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट एजुकेशन एक मुद्दा है ये जनता किसे चर्चा कर रहा है कि ममता सरकार में इस बारे में आप क्या कहेंगे जो डेवलपमेंट एजुकेशन इस बारे में क्या हुआ है अभी देखिए कोरोना जो पीरियड थे इस साल में और उसके बाद अम्फन जो तूफान आया था उसी में गवर्नमेंट का जो रोल था वो बंगाल का सभी आदमी जानते हैं। एक सरकार ने दो दो कैलामिटी के साथ फाइट किया है, एक कोरोना एक अम्फन। और देखिए दूसरी बार ये है कि ये जो करप्शन का चार्ज जो आ रहा है कि ये पैसा ले रहा है ये काट मनी खा रहा है ये तो हर राज्य में है, नया क्या है इसमें? एमपी में नहीं है, असम में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, वहां पे तो बीजेपी सरकार है। ये बोल रहा है कि हम सुनार बांग्ला बनाएंगे, बीजेपी बोल रहा है। अब तो बोलिए जहां जहां बीजेपी सरकार है सोनार असम हो गया क्या? सोनार त्रिपुरा हो गया? नहीं हुआ। इंडस्ट्री के बारे में आइए, बिहार में कितना इंडस्ट्री बनाए, त्रिपुरा में कितना इंडस्ट्री हुआ है, असम में कितना इंडस्ट्री हुआ है, पूछिए हम लोगों से, नहीं हुआ। ऐसे कि बंगाल में अभी जो मतलब सर्विस मिल रहा है पब्लिक को, गवर्नमेंट के जो रेशन में जो मिल रहा है, सभी जी नंदीग्राम में ममता जी जो वादा की थी कि इंडस्ट्री आएगी, अभी तक तो इंडस्ट्री एक बड़ा मुद्दा है नंदीग्राम के, नंदीग्राम वासी को लिए बड़ा मुद्दा है। अभी लोग नंदीग्राम आएंगे तो 10 साल पहले का जो नंदीग्राम था वो आपको अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। वहाँ का ब्रिज, रोड, स्कूल, कॉलेज सब कुछ चेंज हो गया। आप लोग जानते हैं लालगढ़ जहाँ पे माओइस्ट का बहुत दबदबा था एक टाइम में, जिसको कहते हैं जंगल महल, जहाँ पे माओइस्ट वगैरह थे, अभी कोई माओइस्ट का कोई निशाना नहीं है। अब लोग आके देखिए वहाँ का रास्ते, वहाँ का घर, वहाँ का कॉलेज, हॉस्पिटल कितना हुआ है। ये कॉमन पीपल जो है बंगाल का, इनको कहना है कि हमको गवर्नमेंट का सहारा मिल रहा है और बीजेपी यहाँ पे जो बन रहा है, बीजेपी
बंगाल का जो पॉलिटिकल मेंटालिटी और यहाँ का जो कल्चर, ये अभी तक नहीं समझा। यहाँ पे बोल रहा है कि हिंदू धर्म के बाद जहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर है, काली घाट है, रामकृष्ण मिशन है, वहां पे नया क्या है हिंदू धर्म के बाद बोलने के लिए, है ना? हाँ। तो ये सब इशू बीजेपी का कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत सीट मिलेंगे जैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट सरकार नहीं बनेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी अभी जो दृढ़तार के लिए बोले कि सरकार आएगी, और सरकार आएगी कि नहीं? नहीं, सरकार नहीं आएगी, सीट मिलेगी, थोड़ी बहुत सीट मिलेगी, सरकार ममता बनर्जी बनाएंगे, थर्ड टाइम ममता बनर्जी गवर्नमेंट। हाँ, वेलकम। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विष्णुदास आम सहित जोड़ी होती विष्णु बाबू, वर्तमान समय जमती वरिष्ठ सांबादिक जन आम सहित जोड़ी से कहते जे बीजेपी एजेंडा वर्तमान समय लोक बुझी, लोक कल्चर को बुझी, लोक एवं हिंदू कथार विश्वास करूना, ये एजेंडा अच्छी आपणकर ना भिन्न कथा अच्छी? कांग्रेस कहती आपणकर अधिकार जतवाई कि अधिकार ना, एक नहीं आप कौन मत रखे? ସାମାତମ ଯୋଗାଯୋଗରେ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି, ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ନରେଶ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଏମ୍ସିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କସରତ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସେମାନେ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି କଂଗ୍ରେସର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଆଜେଣ୍ଡା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେଇଥିଲା UPA 1 ଏବଂ UPA 2, କାଲକାଟାରେ ଯଦି ସରକାର ହୁଏ ଏବଂ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିର ସରକାର ଦେବାରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କେବଳ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ଭିସ ପାଉନି, ତୃଣମୂଳ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ମୁଁ ସେ କଥାରେ ଏକମତ ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଞ୍ଜି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସାର ମଞ୍ଜି ସେ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀକୁ ସେଠି ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆଣିକି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। CRPF ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ବତୀୟାନ ପୋଲିସ ଏବଂ କମାଣ୍ଡୋ ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କେଉଁଭଳିଆ, ଆଗରୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପୋପାଗଣ୍ଡା କରିକି ଭୋଟ ନେଇକି ଜିତିପାରି ହୁଏ ନାହିଁ କେବେ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଠି ଲଢ଼ା ହେଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭୋଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥିର ସରକାର ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି କୌଣସି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରି କାହାକୁ ଲାତ ମାରିକି କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର କେହି କରିପାରିନାହାନ୍ତି କି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କହୁଥିଲେ ସେଠିକାର, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ସରକାର କଲିକତା ବେଳୁରୁ ଡେଭଲପ୍, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁ ଜାଗାରେ ସେଠି ଅଛି, ବହୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ପରିମାଣରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିନି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ଏବଂ ସେଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ସରକାର ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳିଆ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ
मीडियार पपाकांडा करी तांकू बदनाम करिबा एवं धक्का देकी तांकू गोडू को फ्रैक्चर करिबा ये को प्रकार राजनीति एथिरे तो समस्ते डिमांड करचोन जनरल पब्लिक ठू आनी कि इंटेलेक्चुअल लोक कहउचोन हां आ पर गोटे तदंत करा जाउ तदंतर रिपोर्ट जा आसीबो से अनुसार हबो तेनु एथिरे जणा पड़ जाउनी आपण जे आपण आपण को बंधुक मुनरे केमिति सरकार को करिया सब आपण पाखु खूब शीघ्र फेर भी सबे आपण पाखु जक चाहिबी सबे जी क्या बोल रहे सांप्रदायिकता मनोभाव ये कौन कर रहा है बीजेपी और टीएमसी सांप्रदायिकता एक बड़ा बड़ी मुद्दा है अभी निर्वाचन एजेंडा भी है ये कौन कर रहा है बीजेपी और टीएमसी उसी में सांप्रदायिकता जो मुद्दा वो कभी भी नहीं थे कभी भी नहीं रहेंगे ये बाहर से कुछ लोग ये सब बोल रहे हैं आप लोग जानते हैं बंगाल में जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन एक साथ बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं यहाँ पे आप बंगाल का कहीं भी गांव में आप जाएंगे जाके बोलिए कौन कौन सी हिंदू इलाका है मुस्लिम इलाका है ऐसे कुछ नहीं है यहाँ का जो कॉमन ट्यून है वो बंगाल का जो कल्चर है कि सब भारत प्रदेश का इंडिया का सब धर्म के लोग यहाँ पे चैन से शांति से रहते हैं चाहे उड़ीसा हो बिहार हो झारखंड हो दिल्ली हो जहां भी हो यहाँ का जो नॉन बेंगोली स्पीकिंग आदमी है उन लोगों के आप आके पूछिए कि बंगाल में आप लोग जो रहे हैं बहुत बरस से कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे जो गरीब है इसके ऊपर कोई जुलुमबाजी नहीं होता है आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर से पूछिए ऑटो ड्राइवर से पूछिए और देखिए इलेक्शन का टाइम में क्या होता है ये कुछ कुछ मुद्दा आते हैं उस लेको चर्चा होते हैं टीवी मीडिया में चर्चा होते हैं टीवी मीडिया में ये चर्चे भी हो रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है अभी वेस्ट बंगाल में ये सब का क्या हुआ लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में एजुकेशन के बारे में पूरा इंडिया का आदमी जानते हैं वेस्ट बंगाल ऐसी एक स्टेट है जहां से 5 नोबेल लॉरिएट निकला है नोबेल लॉरिएट 5 इंडिया में कहीं भी कोई स्टेट में 5 नोबेल लॉरिएट नहीं मिला और यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन यहाँ का खड़गपुर आईआईटी यहाँ का भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी जादवपुर यूनिवर्सिटी रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी यहाँ से हर प्रदेश का आदमी हर प्रदेश का स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित सब्यसाची सरकार जोड़ी होते वरिष्ठ सांबादिक नरेश महांती आम सहित जोड़ी होते कांग्रेस नेता और विष्णु दास आम सहित जोड़ी होते बीजेपी नेता बेंगल जंग बाजी मारिबो किए नंदीग्राम रे वर्तमान समय बिग फाइट होची गोटिए पटे टीएमसी रु ममता बनर्जी आउ गोटिए पटे भारतीय जनता पार्टी रु शुभेंदु अधिकारी केन्द्रमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी अनेक नेता मंत्री वर्तमान समय डेरा पकईंट जोरदार निर्वाचन मैदान में प्रस्तुत चली तेब समय कह बाजी किए मार एवं बाजी किए जितब पुणी थे तृतीय थर पर टीएमसी सरकार करीबो ना बीजेपी परिवर्तन आह्वान सफल हम आज आलोचना को ये रखुचु नमस्कार।